ठीक है, यहाँ पे दो टाइप की प्रेशर प्लेट है, ठीक है ना। ये मारुति 800 मॉडल की हमारी, इसका मेरे को पता नहीं कौन सा मॉडल है। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो चीज़ देखो, ये जो कवर है इसमें कवर है टॉप साइड पे, ठीक है, इसमें कवर है नीचे की साइड बॉटम साइड पे। तो इसमें टॉप साइड में आने पे अब क्या हो रहा है, ये जो रिवेट है इसमें क्या है, ऊपर की तरफ से लगी हुई है। इसमें रिवेट देखोगे तो अंदर की साइड है ये, ठीक है ना। अच्छा, मेन जो तीन चार जो मेन पार्ट है, ठीक है, ये प्रेशर प्लेट हो गई, ये भी दूसरे टाइप की प्रेशर प्लेट, ये हमारी क्या है, क्लच प्लेट, ये दोनों एक सिंगल असेंबली है, ठीक है। इसमें जो मेन पार्ट है, सबसे पहला तो ये डायफ्राम स्प्रिंग हो गया, ठीक है, एक ये है, इस वाले में ऐसे बना हुआ डायफ्राम स्प्रिंग हो गया। उसके बाद इधर देखोगे तो ये हो गया प्रेशर स्प्रिंग या कंप्रेशन स्प्रिंग। ये क्या करता है, हमेशा प्रेशर प्लेट को इस पे जोर लगाए रहेगा क्लच प्लेट के साथ, जिससे क्या है, फ्लाईव्हील के साथ जुड़ी रहेगी, ठीक है। तीसरा स्प्रिंग हो गया, ये रिटर्न वाला स्प्रिंग नहीं है एक्चुअल में, एक पॉइंट है, हिंज पॉइंट दिया हुआ है ये, इसमें ऐसे दिया हुआ है। और मैं बोल रहा था ना, इसमें देखो स्क्रू लगा हुआ है, इस वाली प्लेट में देखो यहाँ पे कोई स्क्रू नहीं है, तो यहाँ पे रिवेट लगा रखी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब इसको हम कंप्रेस करेंगे, मतलब जब हम पैडल कंप्रेस कर रहे हैं क्लच का, तो क्या है, रिलीज बियरिंग होता है वो इसको दबाएगा सेंटर से, सेंटर से दबाने पर क्या है, ये बाहर की तरफ फ्लैट हो जाएगी। तो उस टाइम क्या है, ये जो प्रेशर प्लेट है ये पीछे की तरफ मूव करेगी और हमारी क्लच प्लेट फ्री हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। और कुछ नहीं, क्लच प्लेट हो गई, ठीक है, दोनों साइड इसमें फ्रिक्शन मटेरियल है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया हुआ था, इधर भी और इधर भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, हमेशा ध्यान रखना, ये हिस्सा जाएगा हमारा इसके अंदर प्रेशर प्लेट के इन साइड वाले हिस्से में, ठीक है ना, इस साइड, और ये बाहर वाला हिस्सा ये रहेगा फ्लाईव्हील की साइड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो प्रॉब्लम आती है, मेन प्रॉब्लम क्लच के केस में, ठीक है, तो यहाँ पे ये मटेरियल है हमारा प्रेशर प्लेट का, ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइनिंग दी हुई है, इसमें लाइनिंग इसलिए दी हुई है कि इसमें फ्रिक्शन ना हो, स्लिप ना हो, ये एकदम बाइंडिंग करके चले, जो हमारी क्लच प्लेट है इसके साथ बिल्कुल चिपक के चले, ठीक है। अभी इसमें क्लच प्लेट लगी हुई है, प्रेशर प्लेट है, इन दोनों के बीच में पहली कंडीशन हो गई कि ऑयल आ गया, ये समझ लो लीकेज होके गियरबॉक्स से दोनों के बीच में ऑयल की लेयर आ गई, ग्रीस आ गया, कुछ आ गया। अब उस कंडीशन में क्या होगा, प्रॉब्लम क्या आएगी, चलते चलते स्लिप करेगी, स्लिप करेगी तो ऑब्वियसली बात है आगे पावर लॉस करेगी, गियरबॉक्स में पावर नहीं जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, ये जो फ्रिक्शन मटेरियल है हमारा, ये समझो इस साइड से क्या हो गया, प्रेशर प्लेट की साइड से, या इस साइड फ्लाईव्हील रहेगा, फ्लाईव्हील की साइड से घिस गया, घिसने पे क्या होता है, ये इतना घिस गया कि नीचे इसके क्यूजन स्प्रिंग दिखने लग गई, ये वाले, ये हमारे क्यूजन स्प्रिंग पे आ गया, ये मटेरियल खत्म हो गया इसके, ये आ गया। अब ये जब अंदर की साइड है तो ये मटेरियल इसके साथ मैच करेगा, और मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट होने पे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होने से क्या, वो मेल्ट होके इस पे चिपक जाएगा, तो इसको बोलते हैं क्लच बाइंडिंग, समझो घूमते घूमते चिपक जाएगी, ठीक है ना, क्लच बाइंडिंग। तीसरी कंडीशन आ गई कि ये मटेरियल घिस गया, अब क्या हो रहा है, इसका फ्रिक्शन मटेरियल खत्म हो चुका है, या फिर ये वाली कंडीशन, एक्चुअल ये कंडीशन देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ध्यान से देखोगे, इसकी सरफेस रफ है, इसकी सरफेस स्मूथ हो चुकी है, हाथ लगा के देखो, यस सर, ठीक है ना, इस कंडीशन में प्रॉब्लम करेगी ये क्लच रेसिंग वाली, ये वाली जो सरफेस है स्मूथ हो चुकी है, अब क्या होगा, इस पे चलते चलते स्लिप करेगी। तो क्लच रेसिंग वाली कंडीशन में क्या होता है, तुमने एक्सीलेटर पैडल दबाया, ठीक है, तो सडनली क्या होगा, गाड़ी तेजी से जाएगी, सडनली स्लो हो जाएगी, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, जिस टाइम सडनली स्लो हो रही है, ये घूमना बंद कर रही है, समझ रहे हो, इसके साथ घूमते घूमते तुरंत हो जा रही है। अच्छा, चौथी कंडीशन क्या है, इसमें क्या हो गया, वो वही बाइंडिंग वाली है, मटेरियल घिस गया, तो बर्निंग बोलते हैं, तो घिसने के बाद क्या हो गया, फ्लाईव्हील साइड या किसी भी साइड, फ्लाईव्हील या प्रेशर प्लेट साइड मटेरियल घिस गया, तो क्या होगा, मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होने पे बर्निंग होने चलती है, हाँ, मेल्ट होने लगता है, वही बाइंडिंग वाली कंडीशन ही है, तो स्मेल आने लगती है बर्निंग की, ठीक है ना। चौथी होती है, चार पाँच प्रॉब्लम है नॉर्मल जो आती है क्लच में, ठीक है। और आजकल क्या है, इस टाइप की आ रही है, फिंगर वाली क्लच में हम सेटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई सेटिंग का चक्कर नहीं है। अगर ये कुछ भी प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी इसमें फिंगर की प्रॉब्लम है, ये फिंगर हमारी इसमें नीचे डाउन है डायफ्राम स्प्रिंग की, तो इससे क्या है, ये ख़राब है, इसकी क्लच प्रेशर प्लेट को हम यूज नहीं कर सकते, ये पॉइंट इसका डाउन है। और ये डायफ्राम स्प्रिंग जो है कोनिकल शेप में बनाया हुआ है, इधर स्लॉट दिए हुए हैं, स्लॉट देने का कारण ये है कि ये स्प्रिंग की तरह काम करेगा, मतलब कंप्रेस होगा वापस आएगा। अगर ये स्लॉट नहीं देंगे, अगर इस पूरी हम इसको सिंगल एक प्लेट भी बना सकते हैं, पूरी एक राउंड सिंगल प्लेट, ये सिंगल प्लेट इसलिए नहीं बना रखी क्योंकि अगर इसे कंप्रेस करेंगे तो, सही बोला था आशिक पहले, बोला भी कि भाई अगर कंप्रेस करेंगे तो नीचे दब जाएगी, एक तुमने देखा होगा कई बार घर में होती है,
रबड़ की या वैसी हो रहती है, हाँ दबाओगे तो वैसी ही रह जाती है उसी पोजिशन में। तो सेम कंडीशन ना इसके साथ ना हो, स्प्रिंग की तरह वापस आ जाए। अभी ये सिंगल सिंगल एक पत्ती होगी, हर एक पत्ती स्प्रिंग का काम कर रही है, क्या नीचे गई जैसी छोड़ोगे वापस आ जाएगी, ठीक है ना। तो स्प्रिंग की तरह काम कर रही है, तो इसलिए इसको क्या है बीच में स्लॉट दिया हुआ है। और ये स्लॉट इसमें देखोगे यहाँ पे स्लॉट बड़ा कर दिया क्योंकि ये रिवेट हमको फिट करना है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट से तो रिवेट जा नहीं सकती, तो यहाँ पे स्लॉट क्या है बड़ा किया हुआ है, ठीक है। तो जहाँ भी हम रिवेट फिट करें वहाँ पे क्या अपने को स्लॉट मिले। अच्छा, इक्वल डिस्टेंस पे किया हुआ है, देखो एक रिवेट और दो रिवेट के बीच में दो स्लॉट आ रहे हैं ना हर जगह, तो डिस्टेंस इक्वल हर जगह फिट है। यहाँ पे देखोगे जो कंप्रेशन स्प्रिंग है, एक यहाँ हो गया, उसके बाद अगला यहाँ, तीसरा यहाँ, तो ऑब्वियस सी बात है 360 डिग्री है, 120 डिग्री के डिफरेंस पे फिट है ये तीनों, ठीक है ना। ओके, ठीक है, ठीक है, दबाओ भाई, इधर देखो, हाँ ठीक है ना। अभी इसमें यहाँ पे ऊपर की तरफ उठ गई है, ठीक है, छोड़िए भाई, रिलीज करिए, रिलीज कर, हाँ धीरे धीरे, ये नीचे आ गया, ठीक है, दोबारा एक बार, हाँ ये प्रेशर प्लेट अब, उसके बाद दोबारा छोड़ दे, रिलीज कर, हाँ ओके।